नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण बनने के आसार बढ़ गए हैं। वहीं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर कल रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र से जुड़े तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे। उधर स्वाभिमानी पक्ष पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के साथ नाता तोड़ दिया है। इसी बीच मुंबई में पोस्टर वार शुरू हो गया है। मनसे ने राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस बताया है। पोस्टर में लिखा है, माननीय बाला साहेब देखो, आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदू होकर हनुमान चालीसा गाने पर रोक लगा रहे हैं। प्रदेश भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र की सियासत में ईडी और आयकर विभाग के छापों पर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच शिवसेना ने सामना के संपादकीय में विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सामना के लेख में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान पर पलटवार किया गया है, जिनमें उन्होंने कथित रूप से बीजेपी को वोट न देने पर ईडी लगाने की बात कही थी। बताते चले कि ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत के परिवार से जुड़ी 11 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। इसमें अलीबाग प्लॉट के अलावा दादर और मुंबई में एक एक फ्लैट भी शामिल है। सामना के लेख में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ज्यादा चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र की मती और मिट्टी बंजर है। ऐसा नहीं, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करने का इस मंडली ने निर्धारित किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक के आकस्मिक निधन के कारण कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट का चुनाव होने जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो आएंगे, लेकिन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कोल्हापुर के मतदाताओं को सीधे सीधे धमकी दे दी है। भाजपा को वोट नहीं पड़े तो आपके पीछे ईडी लगा दी जाएगी। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर लक्ष्मी दर्शन होगा और वो डिजिटल माध्यम से होगा। इस तरह का डर भाजपा नेताओं को लग रहा है, तो राज्य की संबंधित मशीनरियों को सावधान किया जाना चाहिए। शिवसेना ने 2 साल पहले भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस तथा राकापा से हाथ मिला लिया था। तब से 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर भाजपा से तकरार जारी है। फिलहाल भाजपा की नजर कांग्रेस के असंतुष्टों पर भी है। बीते दिनों 25 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर गठबंधन सरकार में शामिल पार्टी के मंत्रियों द्वारा उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया है। यदि उनकी नाराजगी और बढ़ती है और वे बगावत पर उतरते हैं तो भाजपा उन्हें अपने पाले में लेने में देर नहीं करेगी। जहां तक सवाल शिवसेना का है, तो उसका वो भाजपा का मेल अभी मुश्किल नजर आता है। तो राकापा अपने कई नेताओं के जांच एजेंसियों के घेरे में होने को लेकर केंद्र से खफा है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री नवाब मलिक पर शिकंजा कसा जा चुका है। तो शिवसेना सांसद संजय राउत की भी संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। शिवसेना प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लंबे अरसे बाद उन्होंने मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने पर आपत्ति जताते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की है। इन हालातों से लग रहा है कि महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और पार्टी नेतृत्व के इशारे समझ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर कल रात आयोजित रात्रि भोज में महाराष्ट्र से जुड़े तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे। पवार के दिल्ली स्थित आवास पर भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। लिहाजा चारों पार्टियों के विधायक और कुछ चुनिंदा सांसद शामिल हुए। इनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद संजय राउत, सुप्रिया सुले, सुनील तटकरे, डॉक्टर फौजिया खान, विनायक राउत, श्रीनिवास पाटिल, डॉक्टर अमोल कोल्हे, श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निम्बालकर आदि प्रमुख थे। इससे पहले रविवार देर रात नितिन गडकरी मनसे के राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे थे। वैसे तो इस मुलाकात को निजी ही करार दिया गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। राज ठाकरे से गडकरी की मुलाकात के बाद कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि ये सब मात्र सौजन्य भेंट है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के विधायक लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में है। खासकर ये रात्रि भोज ऐसे समय आयोजित किया गया जब प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत अलीबाग में राउत और उनके परिवार से जुड़े 8 भूखंड और मुंबई के दादर उपनगर में एक फ्लैट को कुर्क कर लिया। स्वाभिमानी पक्ष पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के साथ नाता तोड़ लिया है।
इसके नेता राजू शेट्टी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दिन भर के विचार विमर्श के बाद इसकी घोषणा की। शेट्टी ने कहा कि अब से स्वाभिमानी पक्ष और एमवीए के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक शेट्टी ने हाल ही में अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक देवेंद्र भुयार को संगठन से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनावों के परिणाम के बाद से भुयार रांकापा नेताओं के साथ मिल रहे थे और उन्हें स्वाभिमानी पक्ष के मंच पर कभी नहीं देखा गया था। पार्टी अधिवेशन में बोलते हुए शेट्टी ने कहा कि किसानों का हित एमवीए द्वारा तय किए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का केंद्र बिंदु था। मेरी पार्टी भी इसका हिस्सा थी। हालांकि पिछले 2.5 वर्षों में हमें बाढ़ के नुकसान के लिए उचित मुआवजे की मांग के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ा। हमें किसानों को भूमि अधिग्रहण मुआवजे को कम करने के सरकार के फैसले का विरोध करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि हर मुद्दे पर एमवीए सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, इसलिए मैं एमवीए के साथ सभी संबंधों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। इसके बाद हम खेतों का दौरा करेंगे, किसानों से मिलेंगे और उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे। शेट्टी ने जिला परिषद सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और 2 बार सांसद बने थे। वो उन 12 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें राज्यपाल के कोटे के तहत विधायक बनने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों तेजी से बदल रही है। एक तरफ महाअघाड़ी गठबंधन में मनमुटाव की खबर है तो दूसरी तरफ मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। इसी बीच राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी आमने सामने है। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। मनसे ने दादर के शिवसेना भवन के सामने एक पोस्टर लगाया है जिसको लेकर विवाद तो बढ़ ही गया है, साथ ही सियासी चर्चा भी होने लगी है। इस पोस्टर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे का असली वारिस बताया है। पोस्टर में लिखा है, माननीय बालासाहेब, देखो आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदू होकर हनुमान चालीसा गाने पर रोक लगा रहे हैं, हिंदुओं द्वारा लगाए गए साउंड निकलवा रहे हैं। आपका ठाकरे बच्चा, आपकी विरासत सही मायने में राज ठाकरे चला रहे हैं, हिंदुओं के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जैसे ही ये पोस्टर सामने आया विवाद बढ़ गया। आनन फानन में सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और उन्होंने पोस्टर को उतरवा दिया। लेकिन सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे के एक बार फिर सक्रिय होने से उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ सकती है। बता दें कि शनिवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिद में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाया जाता है, अगर इसे नहीं रोका गया तो वहां तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने वाले स्पीकर लगाए जाएंगे, जिसके बाद से ही खूब सियासी बवाल मचा हुआ है। सहा एप्रिल भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक आशीष गजानन खापरे, शहर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नागपुर। अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक श्रीमती चेतना राजू टांग, डायरेक्टर ललिता पब्लिक स्कूल, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर, पूर्व पार्षद व पूर्व शिक्षण सभापति नागपुर महानगर पालिका। यूपी के कानपुर में श्री प्रखर परोपकार मिशन के संस्थापक और निर्वाणी अखाड़े के महंत प्रखर महाराज पर रेप, छेड़छाड़ और जान से मारने की एफआईआर दर्ज की गई है। तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की नजर अब हिमाचल पर है। उन्होंने आगामी विधानसभा और एमसी शिमला चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 3 दशक बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 से तक पहुंची है। भाजपा का दायित्व, कार्यकर्ताओं का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले में सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया है। उधर नेपाल या चीन के बजाय उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 650 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजना को मंजूरी देगा। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूपी के कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। श्री प्रखर परोपकार मिशन के संस्थापक और निर्वाणी अखाड़े के महंत प्रखर महाराज पर रेप, छेड़छाड़ और जान से मारने की एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता का परिवार बीते 2 वर्षों से बेटी को न्याय दिलाने के लिए और प्रखर महाराज के चुंगल से छुड़ाने के लिए भटक रहा था। बीते सोमवार को पीड़िता के परिवार ने राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम से मिलकर आपबीती सुनाई थी।
पूनम कपूर के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किदवई नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला परिवार प्रखर महाराज पर पूर्ण आस्था रखता था। पीड़िता छात्रा की मां ने पुलिस को बताया है कि बीते फरवरी 2020 में प्रखर महाराज कानपुर प्रवास पर थे। इसी दौरान बेटी भी बेंगलोर से पढ़ाई कर वापस लौटी थी। मैं अपने पति और बेटी के साथ प्रखर महाराज से मिलने के लिए गई थी। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि प्रखर महाराज ने बेटी को दीक्षा देने के लिए अकेले कमरे में बुलाया था। दीक्षा देने के बहाने बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। जब बेटी कमरे से बाहर निकली तो उसने आपबीती सुनाई। प्रखर महाराज और उनके गुर्गों की तरफ से बेटी को धमकी दी गई कि यदि किसी को कुछ बताए तो तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद मैं अपने पति के साथ लौट आई और बेटी को वहां से नहीं आने दिया गया। फिर जानकारी मिली कि प्रखर महाराज बेटी को अपने साथ हरिद्वार विश्वनाथ आश्रम ले गए हैं। हमने बेटी को वापस लाने के बहुत प्रयास किए लेकिन हम असफल रहे। उनके गुर्गे वहां से हमें फजीहत कर भगा देते हैं। मालूम चला है कि बेटी अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की नजर अब हिमाचल पर है। उन्होंने आगामी विधानसभा और एमसी शिमला चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान किया है। आप पार्टी हिमाचल को तीसरा विकल्प देने का दावा कर रही है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के मंडी में आम आदमी पार्टी का आज भव्य रोड शो आयोजित हुआ। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग रोड शो में उमड़े। खास बात यह है कि रोड शो में हर आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल रहा। कुछ लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ छोटी काशी नाम से मशहूर मंडी पहुंचे थे। लोग हाथों में तिरंगा, आपका झंडा और केजरीवाल के पोस्टर लिए विक्टोरिया पुल की ओर अनुशासनात्मक ढंग से बढ़ते रहे। इस रोड शो के बाद कांग्रेस भाजपा के कई बड़े चेहरे के छिटकने की चर्चा है। चर्चा इस बात की भी है कि जयराम कैबिनेट के एक मंत्री भी सीएम चेहरा बनाने की शर्त पर अरविंद केजरीवाल के संपर्क में है। वही हाशिए पर चल रहे मंडी के अनिल शर्मा, कुल्लू से महेश्वर सिंह, अर्की से गोविंद शर्मा, बंजार से पूर्व मंत्री खिमीराम, जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा और कांग्रेस के मेजर विजय सिंह मनकोटिया के भी आप में जुड़ने की चर्चा है। आप पार्टी हिमाचल में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना चाह रही है। हालांकि अब तक तीसरे विकल्प के तौर पर कई दलों ने उभरने की कोशिश की है लेकिन कोई भी दल पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पाया है। अब देखना यह होगा कि आपका झाड़ू पहाड़ चढ़ने में कितना कामयाब रहता है। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे आज़ादी के अमृत महोत्सव को कर्तव्यकाल में बदल दें। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आज देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्रभक्ति की। मोदी ने हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि 4 राज्यों में भाजपा सरकार की वापसी से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। स्पीच की शुरुआत में उन्होंने आज के दिन को नवरात्र से जोड़ा और कहा कि स्कंद माता का आशीर्वाद हमेशा पार्टी और कार्यकर्ताओं पर बना रहे। मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक पार्टी के निर्माण में खुद को खपाने वाले महापुरुषों को नमन करता हूँ। 3 दशक बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। भाजपा का दायित्व, कार्यकर्ताओं का दायित्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर विचार के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई। ये अमृत काल हमारे कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है और खुद को खपा देना है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बेटियों की पात्रता के संबंध में अक्सर फैसले आते रहे हैं लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले में सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी नौकरी के लिए पात्र तो है लेकिन इसके लिए उसे माँ की मंजूरी चाहिए। मामला मध्य प्रदेश का है। इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत एक कर्मचारी के निधन के बाद 2015 में उनके बेटे ने सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन वह अनफिट पाया गया। इसके बाद बेटी ने आवेदन कर नौकरी की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार के अनुकंपा नियुक्ति नियमों के मुताबिक पिता की जगह नौकरी के लिए माँ की मंजूरी जरूरी है। इस मामले में पेच तब फंस गया जब मां ने बेटे को नौकरी देने की संतुष्टि नहीं की। मां का कहना है कि बेटी ने संपत्ति के बंटवारे के लिए अदालत में केस दाखिल कर रखा है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उसने बेटी को नौकरी देने की संतुष्टि नहीं की। इसी आधार पर विभाग ने बेटी की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी खारिज होने के बाद बेटी इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंची लेकिन हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस नॉन गेजेटेड सर्विस रूल्स 1997 की धारा
2.2 के आधार पर बेटी को मां की संस्तुति के बिना नौकरी देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट से मामला खारिज होने के बाद बेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय में कुछ गलत नहीं है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद अर्जी खारिज कर दी। नेपाल या चीन के बजाय उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 650 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजना को मंजूरी देगा। केंद्र सरकार भारत चीन सीमा संपर्क सड़क के अंतिम खंड के लिए काम शुरू करने के लिए तैयार है, जो कैलाश मानसरोवर को जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तराखंड से यह लिंक रोड वाहनों को तीर्थस्थल से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर तक ड्राइव करने की अनुमति देगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार परियोजना पर काम में तेजी लाने के लिए लगी हुई है। केंद्र मशीनीकृत निर्माण लाने के लिए L&T से लेकर टाटा समूह की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियां और ठेकेदारों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पहले ही शीर्ष फर्मों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने अस्कोट से भारत चीन सीमा तक पूरे 150 किलोमीटर लिंक का रोड फॉर्मेशन पूरा कर लिया है। रोड फॉर्मेशन में भौगोलिक और भूभाग की चुनौतियों के अलावा उसकी शेप को तय करना शामिल है जिस पर सड़क बनेगी। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को BRO ने दुर्गम हिमालयी इलाके में सफलतापूर्वक पूरा किया। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अस्कोट से सीमा तक की आखिरी 80 किलोमीटर सड़क को पक्का करने के लिए फंड मंजूर करने के लिए तैयार है। सबसे कठिन हिस्सा रोड फॉर्मेशन था, अब रोड फॉर्मेशन के साथ रोड बनना शुरू हो जाएगा। केंद्र द्वारा जल्द ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। पूरी सड़क बन जाने के बाद उत्तराखंड की पिथौरागढ़ से भारत चीन सीमा तक 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि वहां से साइट पर पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगेगा। वर्तमान में 2 से 3 हफ्ते में कैलाश मानसरोवर पहुंच सकते हैं। अभी के मार्ग सिक्किम या नेपाल के माध्यम से है। अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक श्री गणेश शंकर रंभाड़ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर, मंत्री विनकर आघाड़ी भाजपा उत्तर नागपुर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक कृष्णा भाऊ खोपड़े, विधायक पूर्व नागपुर। आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने कर्नाटक हिजा विवाद को लेकर जहर उगला है तो सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान अब लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। वही श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कल देर रात तत्काल प्रभाव से आपातकाल हटा दिया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर जमकर भड़ास निकाली है। यहां तक कह दिया है कि अगर वे रूस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो फिर उन्हें इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। उधर चीन में बुधवार को 20,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में रिपोर्ट की जाने वाले दैनिक मामलों की ये सर्वाधिक संख्या है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर जहर उगला है। हिजाब बैन को उत्पीड़न बताते हुए जवाहिरी ने भारतीय मुस्लिमों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसाया है। जवाहिरी ने 9 मिनट का वीडियो जारी कर कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान की तारीफ की है, जिसने जय श्री राम का नारा लगाने वाली भीड़ के आगे अल्लाहु अकबर चिल्लाया था। जवाहिरी ने मुस्कान की तारीफ में कविता भी पढ़ी। जवाहिरी ने बताया कि मुझे वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए मुस्कान के बारे में पता चला। इस बहन ने तकवीर की आवाज उठाकर मेरा दिल जीत लिया, इसलिए मैं उसकी तारीफ में कविता पढ़ रहा हूँ। कविता पढ़ने के बाद जवाहिरी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत उन देशों पर हमला बोला जिन्होंने हिजाब बैन किया है। जवाहिरी ने इन देशों को पश्चिमी देशों का सहयोगी बताकर निशाना साधा। नवंबर के बाद यह जवाहिरी का पहला वीडियो है जिससे साफ है कि वह हिजाब विवाद से अनभिज्ञ नहीं है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ। उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। हिजाब के विरोध में मांडा के PES कॉलेज में कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर आ गए थे।
बाद में यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है और इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष के जोरदार किलेबंदी में फंसकर सत्ता गंवा चुके हैं। फिलहाल इमरान खान केयरटेकर प्रधानमंत्री है और आम चुनाव कराने के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इमरान अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहे। कश्मीर को लेकर इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर OIC तक गुहार लगाई। हालांकि सत्ता गंवाने के बाद इमरान को अकल आ गई है और वह अब लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। इमरान खान अचानक से भारत की विदेश नीति के बड़े प्रशंसक हो गए हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने उन देशों को अपना दोस्त बनाया जो परंपरागत रूप से पाकिस्तान के दोस्त रहे थे। वही शाह महमूद कुरैशी के नेतृत्व में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बुरी तरह से फेल साबित हुआ और कश्मीर के मुद्दे को ठीक से उठा नहीं सका। यहाँ तक कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले जिस OIC के बल पर पाकिस्तान अब तक कूदता रहता था, वहाँ पहली बार भारत की एंट्री हो गई। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। पाकिस्तान के लिए यह करारा झटका इसलिए भी था कि वह हमेशा से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया है और इस संगठन में भारत की एंट्री का विरोध करता आया है। पाकिस्तान को तब और बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद के दोस्त UAE ने कश्मीर में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कल देर रात तत्काल प्रभाव से आपातकाल हटा दिया। देश में बढ़ते संकट के बीच 1 अप्रैल को आपातकाल लागू किया गया था। इस बीच श्रीलंका में भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की भारी कमी देखी जा रही है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और बिजली की कटौती ने श्रीलंका को और गंभीर संकट में डाल दिया है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो पैसा होते हुए भी कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार गंभीर राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रही है। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने पद संभालने के 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपने भाई बासिल राजपक्षे को बर्खास्त करने के बाद साबरी को नियुक्त किया था। बासिल राजपक्षे देश के सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना गठबंधन के निशाने पर थे। कल जब संसद बुलाई गई तो सरकार के कई सहयोगियों ने तटस्थ रहने का फैसला किया। राष्ट्रपति राजपक्षे के पिछले हफ्ते देश में आपातकाल की घोषणा के बाद से यह संसद का पहला सत्र था। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2020 के आम चुनाव में 150 सीटें जीती थी और विपक्ष के सदस्यों के पाला बदलने से उसकी संख्या में और बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि वह इनमें से कम 41 सांसदों का समर्थन खोता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने हालांकि दावा किया है कि उसके पास साधारण बहुमत है। श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन, आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वे रूस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो फिर उन्हें इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी बलों द्वारा की गई ज्यादतियाँ इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के कृत्यों से अलग नहीं है। उन्होंने रूसी बलों को युद्ध अपराध करने के मामले में न्याय के दायरे में लाने की खातिर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक वर्चुअल संबोधन में कहा कि संयुक्त राष्ट्र को या तो बंद कर देना चाहिए और खुद को भंग कर देना चाहिए या कठोर सुधार करना चाहिए और रूस को परिषद से बाहर कर देना चाहिए। अगर UN बातों से ज्यादा कुछ करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने जनादेश को पूरा करना चाहता है तो उसे यह करना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूसी बलों के कब्जे से हाल में मुक्त कराए गए एवं कीव के पास स्थित बूचा शहर से कल लौटा। एक भी ऐसा अपराध नहीं जो वहाँ नहीं हुआ है। रूसी बलों ने हमारे देश की सेवा करने वाले हर व्यक्तियों की चुन चुन कर और जानबूझकर हत्या की। जेलेंस्की ने कहा कि हम एक ऐसे देश से निपट रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो को मारने के अधिकार में बदल रहा है। यह वैश्विक सुरक्षा के पूरे ढांचे को कमजोर करता है। रूसी सेना और उसे आदेश देने वालों को यूक्रेन में युद्ध अपराध करने के लिए न्याय के दायरे में तत्काल लाया जाना चाहिए। चीन में बुधवार को 20,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में रिपोर्ट की जाने वाली दैनिक मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इससे चिंता बढ़ गई है।
बता दें कि मार्च तक चीन ने लॉकडाउन, ग्रुप टेस्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर सख्त प्रतिबंधों के साथ दैनिक मामलों को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन हाल के हफ्तों में इसमें बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। बुधवार को चीन में संक्रमण के 20,472 केस दर्ज किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज की जान नहीं गई। शंघाई में क्वारंटाइन सेंटर पर कोविड पॉजिटिव मरीजों की भारी भीड़ है। कोविड पॉजिटिव शिशुओं और बच्चों को माता पिता से अलग किया जा रहा है। इस नीति ने पीड़ित परिवारों की चिंता और बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा कि चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई का कोरोना के राष्ट्रीय आंकड़ों में 80% से अधिक हिस्सा है। शंघाई के एक शीर्ष अधिकारी ने माना है कि इससे निपटने के लिए अपर्याप्त तैयारी थी। रिपोर्ट के अनुसार अब शंघाई में पूरी आबादी पर नए सिरे से टेस्टिंग की जाएगी। भोजन की कमी और लॉकडाउन के कारण निवासियों में गुस्सा बढ़ रहा है। बता दें कि 2019 के अंत में चीन के वुहान में पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था। यह महामारी यहाँ से पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो इसे चीनी वायरस करार दिया था। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक समाज सेविका राजश्री मांडळकर। छह अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक राजू दरोड़े, वार्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 21। छह अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सुभाष भाऊ कोटेचा, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य तथा प्रोटोकॉल समिति प्रमुख।